हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब? स्वागत है आप सभी का आज के हमारे एक और न्यू वीडियो के अंदर। आज है अपने पास द ऑल न्यू NS 125 2024 का वेरिएंट, और आज इस वीडियो के अंदर अपन जानेंगे इस बाइक के ऑल डिटेल्स के बारे में। और भाई रोड काफ़ी तेज हो रखा है, तो सबसे पहले अपना हेलमेट लगा लेता हूँ, उसके बाद बात करते हैं। इसके अंदर अपन जानेंगे इस बाइक का वॉक एंड वीडियो, इसके बाद करेंगे इस बाइक की राइड। तो सबसे पहले जान लेते हैं इस बाइक के अंदर आपको क्या क्या नया देखने के लिए मिल जाता है। सबसे पहले अगर अपन बात करते हैं फ्रंट एरिया से, तो यहाँ पर आपको एक बिल्कुल एक न्यू शेप की लाइट मिल जाती है, जो कि NS 125 से लेकर NS 200 तक आपको देखने के लिए मिलती है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर आपको DRS दे रखे हैं, प्लस एक फुल्ली LED लाइटिंग सेटअप यहाँ पर आपको मिल जाता है। प्लस इसी के साथ यहाँ पर एक न्यूली मीटर कंसोल यहाँ पर मिल जाता है आपको, LCD डिस्प्ले, जो कि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। न्यू यहाँ पर आपको बटन स्विचेस वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं लाइटिंग के, एंड अपने जो मीटर कंसोल है उसके रिगार्डिंग। बाकी यहाँ पर ऐसा कोई और कोई मेजर चेंज है नहीं, एक अपना लाइट का है, एक अपना मीटर का है। तो ये दो चेंज यहाँ पर आपको 2024 में देखने के लिए मिल जाते हैं। इन दो चेंजेस के साथ ये बाइक और ज़्यादा बेहतर हो जाती है। अगर बात करते हैं सबसे पहले इस बाइक की प्राइसिंग की, एक शोरूम प्राइस 1,04,000 है, और ऑनर प्राइस इस बाइक की जयपुर के अंदर JM बजाज शोरूम के ऊपर यहाँ पर आपको 1,28,000 रुपये देखने के लिए मिल जाती है। शोरूम आपको जयपुर के अंदर टोंक रोड पर देखने के लिए मिल जाएगा, यहाँ पर आपको बजाज की सारी बाइक्स अच्छे प्राइस ऑफर्स के ऊपर मिल जाएंगी। इसी के साथ बात करते हैं अगर इस बाइक के अपन हैंडल बार की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर सेगमेंट में एक अकेली ये बाइक है जो कि आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार दे देती है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर आपको किल स्विच है, सेल्फ का ऑप्शन है, अपना मीटर के रिगार्डिंग यहाँ पर आपको बटन मिल जाएगा, इंडिकेटर एंड हॉर्न है, यहाँ पर आपको लाइटिंग, लो बीम, हाई बीम, पास लाइट वगैरह करने का स्विच मिल जाता है। यहाँ पर आपको 12 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक दे रखा है, जिसके ऊपर आपको पल्सर की ब्रांडिंग दे रखी है। फ्यूल इंजेक्शन यहाँ पर आपको मिल जाता है लिखा हुआ, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको फ्यूल पंप का सिस्टम देखने को मिल जाता है। BS6 फेस 2 वाली गाड़ी है, E20 यहाँ पर आपको मिल जाएगा। प्लस इसी के साथ यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट दे रखी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। अब अगर आप आगे पीछे से देखते हैं, तो भाई यहाँ पर अगर अपन दूर से देखें इस बाइक को, तो कहीं से भी आपको एक NS 125 वाली बाइक की फील यहाँ पर आपको नहीं मिलेगी। जो भी आपको फील मिलेगी सेम टू सेम NS 200 वाली यहाँ पर आपको फील मिलेगी। अगर आप इस कीच को हटा देते हो, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ये NS 200 वाली फील निकाल कर देती है, चाहे वो फ्रंट से हो चाहे वो बैक से हो। आप अगर दूर से भी देखते हो इस बाइक को, तो इस टाइप से इसकी फील निकल कर आती है। इंजन वगैरह की बात अभी अपन रस्ते में कर लेंगे। यहाँ पर एक बार आप इसका एग्जॉस्ट साउंड सुन लीजिए। बात करते हैं अगर इसके इंजन की, तो यहाँ पर आपको एक 125 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 वोल्ट इंजन मिल जाता है, जो कि 12 PS की पावर जनरेट करता है 8,500 RPM पर, एंड 11 Nm का टॉर्क जनरेट करता है 7,000 RPM पर। इस इंजन के अंदर आपको किक का सिस्टम भी मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेस्ट रहने वाला है। अब फटाफट चलते हैं इस बाइक की राइड पर और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर आपको राइड कम्फर्ट निकल कर आता है। सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूँगा इस बाइक के कंफर्ट के बारे में, जो कि एक राइडर के लिए सबसे ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। तो इस बाइक के अंदर आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार है, जैसा कि आप देख सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट होकर यहाँ पर आप बैठेंगे इसके ऊपर, यानी आपको कोई झुकना वगैरह नहीं पड़ेगा। इसी के साथ यहाँ पर जो मीटर का व्यू है वो काफ़ी अच्छा आ रहा है, यहाँ पर आपको पता चल रहा है कि गाड़ी 4th गियर में चल रही है, और इसके अलावा 5,000 RPM है। ऐसे टेस्ट मेरे को धूप के अंदर देखने में कोई इशू कोई प्रॉब्लम हो नहीं रही, बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आपको स्क्रीन दिखाई देगी, जैसा कि आप कैमरे में देख पा रहे होंगे। इसी के साथ यहाँ पर आपको जो है इस बाइक के अंदर अपना जो सस्पेंशन वगैरह वो भी काफ़ी अच्छे वर्क करेंगे। हाइट वगैरह काफ़ी सही है, 805 mm इस बाइक की सेडल हाइट है, और इस बाइक का वेट भी काफ़ी कम है, जो कि इस बाइक को और ज़्यादा स्पोर्टी बना देता है। इस बाइक का जो कर्व वेट है वो है 144 किलोग्राम, 144 किलोग्राम इस बाइक का आपको कर्व वेट मिल जाता है। लाइटिंग वगैरह का टेस्ट किसी दिन अपन रात को करेंगे, जब देखते हैं इस बाइक की लाइटिंग कैसी है। बाकी तो बजाज इसे वॉल्फ लुक कहकर बुलाता है। इंजन पावर एक बार अपन चेक कर लेते हैं, हैंडलिंग में बहुत लाइट है इस बाइक की, बहुत ज़्यादा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे वीडियो के अंदर। और इंजन की जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी यहाँ पर निकल कर आ रही है, जबकि अभी ये नई बाइक है उसके बावजूद भी काफ़ी अच्छा रिफाइनमेंट यहाँ पर आपको मिलेगा। और इसकी जो आवाज़ है ना भाई, वो काफ़ी स्मूथ आ रही है, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी आपको साउंड सुनने के लिए मिल जाएगा। एक हाइयर RPM पर, मतलब 5,000 RPM के ऊपर जैसे आप इस बाइक को लेके जाते हो, तो एक इसकी जो इंजन की ट्यूनिंग है वो एक अलग ही हो जाती है भाई, अलग ही पावर प्रोड्यूस करने लग जाती है भाई बाइक।
इसी के साथ अगर इस इंजन के माइलेज की बात कर ली जाए तो यहाँ पर ये इंजन अगर आप डिसेंट चलाओगे इस बाइक को तो आराम से 55 टू 60 kmpl का माइलेज भी निकाल देगा। और इस बाइक का इंजन जो है काफ़ी ज़्यादा लो कॉस्ट रहने वाला है, यानी बिल्कुल जो है इसकी मेंटेनेंस वगैरह काफ़ी लो कॉस्ट है, तो आपको ज़्यादा मेंटेनेंस का भी खर्चा नहीं उठाना पड़ेगा। बात करो अगर इसकी सिटिंग की तो सिटिंग काफ़ी कम्फर्टेबल, थोड़ी सी हार्ड साइड है क्योंकि भाई स्पोर्टी बनाने की यहाँ पर पूरी कोशिश करी है बजाज ने, तो थोड़ी सी हार्ड आपको मिलेगी, बट इतनी हार्ड नहीं है कि एज अ राइडर को प्रॉब्लम हो, क्योंकि ज़्यादा अगर सॉफ्ट भी होती है तो भाई वो भी बेकार होती है, तो सही है, नॉर्मल यहाँ पर सीट है, अच्छी सीट है। अब अगर इसकी ब्रेकिंग की बात कर ली जाए एक बार, तो फ्रंट में डिस्क है 240 mm का और रियर में आपको ड्रम मिल जाता है 130 mm का। अब ABS वगैरह का तो कोई सीन है ही नहीं यहाँ पे, तो एक बार डिस्क अपन चेक कर लेते हैं। और डिस्क के साथ यहाँ पर आपको कॉम्बी भी मिल जाएगा, यानी अगर आप आगे का प्रेस करते हैं तो पीछे का वो सारा सिस्टम जो आप जानते हैं, कॉम्बी ब्रेक सिस्टम वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाता है। ब्रेकिंग अगर कर लेते हैं तो भी रिस्क है, ABS है तो थोड़ा सा जो है स्लो करना पड़ता है क्योंकि स्लिप होने का डर रहता है, बाकी ऐसा कोई इशू आने वाला नहीं है। पीछे का ब्रेक भी काफ़ी अच्छा है, आगे डिस्क है तो थोड़ा ब्रेक आराम से आपको यूज़ करना पड़ेगा, बिल्कुल हार्डली कर लोगे तो भाई गिर जाओगे, डेफिनेटली गिरने वाला सीन है क्योंकि ओनली 4 डिस्क यहाँ पर आपको ABS नहीं मिलेगा। अब अगर बात कर ली जाए इस बाइक को TVS Raider के कंपेयर में लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, तो भाई उसके कंपेयर में ये है कि भाई बजाज है तो रिफायरमेंट है, अच्छा स्पोर्टी है। अभी TVS का ऐसा है कि आपको प्राइस थोड़ा कम मिल जाएगा, बट वहाँ पर आपको इतनी अच्छी रिलायबिलिटी नहीं मिलेगी जो बजाज आपको प्रोवाइड कराता है, इतने अच्छे लुक्स नहीं मिलेंगे। सबसे मेन चीज़ तो लुक्स की है भाई, जो लोग NS के शौकीन है, NS के दीवाने हैं, पल्सर के दीवाने हैं, तो वो लोग तो इस बाइक को छोड़ नहीं सकते चाहे कुछ भी हो जाए। अब नॉर्मल पल्सर आती है और NS पल्सर है, तो NS की जो एक फील है वो एक अलग ही फील आपको मिलती है, जो पावर है, जो लुकिंग है, जो डिज़ाइन है इस बाइक के, वो एक आपको अलग ही वो मिल जाती है। प्लस यहाँ पर आपको जो है अब इस बाइक के अंदर ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल चुकी है, जैसा कि अगर मान लो मैं गाड़ी चला रहा हूँ और मेरे पास ब्लूटूथ वाला हेलमेट है या मैंने ईयरबड्स वगैरह लगा रखे अपने कानों में, तो मैं अपने कॉल को यहीं से अटेंड कर सकता हूँ, जैसा कि ये जो बटन दे रखा है यहाँ से मैं उसको अटेंड भी कर सकता हूँ, और अगर मैं अटेंड नहीं करता हूँ तो उसको कट भी यहीं से मैं कर सकता हूँ। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर पास में हीरो की एक्सट्रीम 125 भी जा रही है अपने आगे ही, जो कि इस बाइक का एक मेन कंपटीटर कहलाएगा, बहुत जल्दी इस बाइक का भी रिव्यू ओपन करेंगे। और डिस्प्ले के ऊपर आपको शो भी जाएगा भाई कोई नोटिफिकेशन आपके फ़ोन के आई है नोटिफिकेशन वगैरह, या कोई मिस कॉल वगैरह है, कोई मैसेज वगैरह है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। अभी बाइक पहले से ज़्यादा स्मार्ट बन चुकी है, पहले से ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक बन चुकी है, और पावर तो जो है अपना सेम ही है, काफ़ी समय से जो है अच्छा यहाँ पर आपको इंजन वगैरह मिलता है, छोटे मोटे चेंजेस बजाज करता रहता है, जैसे कि अभी यहाँ पर आपको बजाज ने TTSI की जो टेक्नोलॉजी काफ़ी समय से आ रही थी उसको बंद कर दिया है पहले इस बाइक के अंदर, अभी कार्बोरेटर भी आ रहा था वो भी बंद कर दिया है, FI कर दिया, तो छोटे मोटे चेंजेस बजाज करते रहता है, उस हिसाब से इंजन काफ़ी यहाँ पर आपको बेस्ट मिलता है। प्राइस ऑन रोड JM बजाज जयपुर के अंदर 1,28,000 रुपये इस बाइक की रहने वाली है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।